हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइज अनदर। देखो वीडियो गेम प्ले तो नहीं है, आई एम सॉरी, गेम प्ले तो मैं आपको बता रहा हूँ बट इस वाले गेम प्ले में जो मैं आपको गेम प्ले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ डिटेल और कुछ लीक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब देखो लीक्स तो क्या कहें, PS5 Pro जो है वो आ रहा है। जब देखो 2024 7 नवम्बर को जो इसकी सेलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बट इंडिया का मुझे आई डोंट नो, पता नहीं है कब तक जो इंडिया में आएगा। बट यहाँ पर ना देखो 3 मेजर चेंजेस यहाँ पर आए हुए हैं PS5, अगर ओल्ड PS5 की बात करें जो कि अभी जो है रेगुलरली हम चला रहे हैं या फिर प्ले कर रहे हैं, उससे जो है तो मतलब कि 3 मेजर चेंजेस जो कि बढ़िया से बढ़िया आए हुए हैं, जो कि मैं आपको इस वाली वीडियो में जो डिटेलिंग में बताऊंगा। तो देखो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उतना काम करते हो देख अच्छा ला, कमेंट जरूर करके जाना भाई वीडियो में। जहाँ पर ना देखो हम 3 मेजर चेंजेस और डिटेल के बारे में बात करें जो कि PS5 Pro में आए हैं, जो कि डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 मेजर चेंजेस ये है, लार्जेस्ट आपको GPU देखने को मिलेगा, एडवांस रे ट्रेसिंग और साथ में देखो AI का जो है मसाला भी यहाँ पे जो है ऐड किया गया है इस बार प्ले स्टेशन में। जहाँ पर देखो AI ड्राइविंग अब सेलिंग यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करके जो है यहाँ पे बताया गया है, बड़ा चढ़ा के जो है इन 3 चीज़ों को जो है यहाँ पे PS5 में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। जहाँ पर देखो क्या सीन रहने वाला है, इन 3 चीज़ों का जो इस्तेमाल कैसे होने वाला और कैसे जो है एडवांस बन रहा है हमारा प्ले स्टेशन। जो देखो प्ले स्टेशन प्रो जो है वो बहुत ही ऑसम आपको देखने को मिलेगा, स्पीड लेवल से मैं आपको बताऊं तो एकदम से क्रेजी इनटू 100 हो जाएगा। जहाँ पर देखो मैं आपको सबसे पहले तो जो बता दूं लार्जेस्ट GPU के बारे में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन पॉइंट ये आता है लार्जेस्ट GPU का। जहाँ पर देखो आपको नाम सुन के ही तो पता चल रहा होगा कि लार्जेस्ट मतलब कि बहुत बड़ा GPU यहाँ पे लगाया गया है PS5 Pro में, जो कि अप टू 45% फास्ट रेंडरिंग होने वाला है, जो कि अभी जो ओल्ड का जो PlayStation 5 है उससे 45% ज़्यादा मतलब 45% ज़्यादा वाला फास्टर रेंडरिंग आपको देखने को मिलेगा इस PlayStation 5 Pro GPU में। जहाँ पर देखो इससे तो पता चल रहा है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस में रहने वाला है। अगर कोई भी जो है PlayStation 5 को परचेस करता है तो इसके लिए जो है ये वाली जो है एडवांटेज की बात रहेगी। जहाँ पर देखो कोई डिफरेंट यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर देखो मैं आपको डिफरेंटिंग की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंटिंग के भी कुछ इमेजेस मैंने लिए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो की स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। स्पाइडरमैन 2 जो कि जो रिसेंटली नया गेम आया हुआ है और इसकी ग्राफिक तो आपने देखे ही होंगे, जो कि बहुत ही ऑसम और धमाकेदार सिनेमेटिक स्किन के साथ जो है स्पाइडरमैन 2 को लॉन्च किया गया था और इसके ग्राफिक से डिफरेंटिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो PlayStation 5 को भी प्ले कर रहा है और PS5 Pro को भी प्ले किया जा रहा है, उसमें जो डिफरेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ सेकिनों का जो है यहाँ पे फ़र्क है जो कि PlayStation 5 के जो इंट्रोड्यूस करा गया था, जहाँ पे देखो 8-9 मिनट की मैंने वीडियो जो है मैंने देखी थी पूरी की पूरी, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि डिफरेंट यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ सेकेंड मतलब कि चंद सेकेंड का डिफरेंट है यहाँ पे, चंद सेकेंड में जो मिली सेकेंड आता है बस उसी का डिफरेंट है। जहाँ पे देखो NPCs कुछ NPC कैरेक्टर रहेंगे जो कि अलग अलग लुक में आपको देखने को मिले, ऐसा कुछ करके जो है फास्ट भी चलेंगे, मतलब मिलीसेकंड का ही यहाँ पे फर्क है। और साथ में ना देखो मैंने आपको बताया था कि AI का जो मसाला है PlayStation 5 Pro में जो है भर भर के डाला हुआ है, तो वो क्या मसाला रहेगा। जब हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AI ड्रॉइंग अप सेलिंग, यहाँ पे अप सेलिंग कुछ करके जो लिखा हुआ है। जब हम देखो इसका काम क्या रहेगा, ये एक गेम की जैसे कि आप देख रहे हो इमेज है और इसमें जो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें जितने भी आपको पिक्सल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्सल कहते हैं इसे, जो कि गेम को जो बड़ा चढ़ा के बताता है। टीवी के अंदर जैसे कि किसी भी गेम को आप प्ले करें और इसमें जो पिक्सल आते हैं बड़े बड़े अच्छे ग्राफिक आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको जो है इसमें आपको इसका जो है AI का जो मसाला देखने को मिलेगा। जब हम देखो अच्छी तरीके से आप गेम को रीड कर पाओगे या फिर अच्छा ग्राफिक आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ PlayStation 5 Pro में है। और साथ में देखो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो US में जो है 7 नवम्बर 2024 को आने वाला है तकरीबन $699 का, और इंडियन रुपीज़ में इसे कन्वर्ट किया जाए तो मतलब तकरीबन जो है 60,000 रुपये का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर देखो GST प्लस आपको बता दूँ तो मान लो 60 से 65,000 रुपये का तो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बट आई डोंट नो वो कब तक आता है, 7 नवंबर को तो जो है US में या फिर बहुत सी ऐसी अलग अलग कंट्री में जो है इसे रिलीज़ किया जाएगा। और साथ में ना देखो गाइस, मैंने आपको 3 ऐसे कुछ डिफरेंस बताए जो कि PlayStation 5 और PlayStation 5 Pro में है, और आपको लगता है कि डिफरेंस है कुछ भी, मैंने आपको 3 तरीके के डिफरेंस बताए जो कि इन गेम मतलब कि इन
इन फ्यूचर आने वाला प्लेस्टेशन 5 प्रो में जो है आपको दिए जाएंगे फीचर। और देखो आपको कोई डिफरेंट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने थॉट बताना, मुझे तो कोई डिफरेंट नहीं लगा। यहाँ पे देखो मैंने 9 मिनट की पूरी प्लेस्टेशन 5 में जो वीडियो आई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था प्लेस्टेशन 5 प्रो को, तो मैंने सारी की सारी जो इस वीडियो में जो फुली रीड करके देखा है। और देखो अगर आपको जो है आपके मन में कोई भी तरह का थॉट हो तो ज़रूर बताना गाइस। और होपफुली देखो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चाहे ना देखो ऐसे ही रेगुलरली पर डे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में, तो एटलीस्ट उतना ज़रूर ट्राई करना जो कि मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और देखो मैं मिलता हूँ किसी की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।